वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अपने धर्म उपर विश्वास होना बहुत उच्च ते महान वाली गल है, पर किसी भी धर्म उपर चाहे अपना ही धर्म क्यों ना होवे, अन्नी शरदा होना अते बिना तर्क तो किसी भी गल उपर अन्नी शरदा कर लेना, यह बहुत वड्डी बेवकूफी है। इसे कारण सानू परमात्मा ने समझ दिती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कहते हैं, असी सोच नू अपने तर्क बुद्धि नू अगे रख के किसी भी गुरु की पहचान करो। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नू गुरता गद्दी बख्श दिती सी, तां कि साडे सिख पखंडी बाबियां दे पिछे ना लग जाण। आओ गल करते हाँ अज की इस वीडियो बारे। अज की सच्ची घटना सुन के तुहाडे पैरां हेठों जमीन निकल जाएगी। मेरा पक्का दावा है कि तुसी अपनी जिंदगी दे विच कदम सोच सोच के रखण ते मजबूर हो जावोगे। घटना है हजूर साहब दी, जिथे कि एक नवा नवा बनिया होया नौजवान सिंह अमृत पान करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सिंह बन गया। उम्र कोई 20-22 साल दी ही रही होवेगी। पछोकड़ हिंदू परिवार नाल संबंध रखदा सी, पर बैठनी उठनी गुरु दे प्यारिया नाल सी। उसनू लाग लगी, इसलिए गुरु दा सिंह बन के सज गया। बचपन तो नियम सी कदे भी मीट शराब नहीं खादा सी, पर निहंगा दे नाल यारी दोस्ती होण दे कारण ओह भी झटके छकण लग गया। मीट खान उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। इसे तरह 3-4 साल गुजर गए अते हजूर साहिब जाना मथा टेकना सेवा करनी अते निहंग सिंघा दे नाल घूमन उथे सिमरन करना अते झड़के जा बकरे की बलि दिंदे हन उस विच शामिल होना। पहला उसनू यह सब कुछ ठीक नहीं लगता सी, पर बाद विच उसका मन भी यह सारी खेड विच शामिल हो गया। एक बार दी गल है जदों हजूर साहब बकरे दी बलि देनी सी अते उस दे मित्र निहंग सिंह ने कहा कि जेकर बलि अज तू देवेगा तां मन्नांगे, क्योंकि उसनू सारे ही डरपोक समझते सन अते 2-2 हज़ार दी शर्त भी लगा ली। उस निहंग सिंह ने अपनी शर्त नू पूरा करदे होए मन कठोर बना के बकरे दी बलि दे दित्ती ते 2 हज़ार दी शर्त भी जित ली अते वाह वाह भी खट्टी। पर हुण घटना यह वापरन वाली सी कि रात दिन सुपने विच उस सिंह नू बकरा ही दिखाई देण लग्या। एक दिन गुजरिया, दूजा दिन गुजरिया ते रोजाना ही नियम बन गया कि ओह बकरा उसके सुपने दे विच आउण लग्या अते कहण लग्या कि मैं दोबारा फिर आवांगा। निहंग सिंह तां हुण यह बार बार घटना तो बहुत ही परेशान हो चुके सन। दस दिए कि उस निहंग सिंह दा नाम प्रेम सिंह सी। हुण ओह घटना अजिही वापरन लगी कि दिन समय भी उस निहंग सिंह नू प्रेम सिंह नू राह जांदे पोस्टर दे उत्ते भी बकरा ही दिखाई देण लग्या। हर थां दे उपर उस नू बकरा ही दिखाई देण लग्या। प्रेम सिंह ने डॉक्टर दे नाल संपर्क किया अते दवाई भी लै ली, पर उस दे नाल कोई भी फर्क ना पिया। हुण प्रेम सिंह बहुत ही परेशान हो चुकिया सी, घटना वापर गई सी। प्रेम सिंह दे घर दे भी बहुत परेशान हो चुके सन। उन्हां ने प्रेम नू सुझा दिता कि साढ़े इलाके विच 70 किलोमीटर की दूरी ते बहुत ही पहुंचे हुए साधु रहिंदे हन जो अगले पिछली सारी जानते हैं, उन्हां नाल गलबात की जाए। ते प्रेम सिंह भी अपने घरदियां की गल मन गया। ओह उन्हां साधुआं दे कोल पहुंच गया। अपनी सारी हड़बीती प्रेम सिंह ने उस साधु नूं दसी ते साधु ने ध्यान लगा के सूरती जोड़ के जदों देखिया अते प्रेम सिंह नूं जो गल कही ओह सुन के प्रेम सिंह दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। साधु ने प्रेम सिंह नूं इह दस्से कि जदों अहमद शाह अब्दाली भारत ते हमला करन आया सी उस समय सिखां ते अब्दाली विचकार मुसलमान विचकार युद्ध होया सी, जिस विच इस मुसलमान ने तेनू मार गिराया सी। एक बार 2520 ईस्वी दे विचकार तेरे एक दुश्मन होया करदा सी जिसने तेनू सुते पे नू मार दिता सी अते एह बंदा भी ओही सी जिसने तेनू अहमद शाह अब्दाली दे नाल हमला करन दे दौरान मारिया सी अते जो तेनू बार बार बकरे दा सुपना आ रहा है
एह बकरा ओही है जिसने तेनू दो बार जन्म लेके मारया सी। ओह इस जन्म विच भी बकरे दा रूप धार के आया सी ते उसने तेरे हथों ही मरना सी। एह कुदरत दा नियम सी। साधुआ ने कहा कि ओह तेरे पिछले जन्मा दा दुश्मन है, इसलिए वार वार तेनू मारन दे लई आउंदा है। इसलिए अपने माड़े कर्मा दे कारण ओह बकरा बनया सी अते तेरे हथों ही उसने मरना सी। जदकि तू कदे कीड़ी भी नहीं मारी, पर तेरी नियत एदां दी ही बन गई। कुदरत ने नियम ही एदां दा करता कि तेनू उसनू मारन दे लई किरपाण चुकनी ही पई। साधु ने यह भी कहा कि ओह फिर दोबारा जन्म लैके आवेगा, इसलिए तेनू उसका बार बार सुपना आउंदा है, इसलिए कि मैं दोबारा आवांगा। अते साधु ने यह भी कहा कि तेनू मारन दी ओह पूरी कोशिश करेगा, इस कारण तू सुचेत रहना है। ते साधु ने फिर कहा कि जदों तेरा विआह होवेगा ते विआह तो बाद तेरा पुत्र होवेगा, पहला पुत्र तेरा जो भी होवेगा उसनू दब के आना है, अपने कोल नहीं रखना, जां फिर उसनू साढ़े कोल लैके आना है, सानू हमेशा हमेशा दे ले चढ़ा देना है। साधु ने यह कहा कि हुण तेनू सुपने आने बंद हो जाणगे, पर तू अगे सुचेत रहना है, क्योंकि ओह जल्द ही तेरे घर दे विच जन्म लैण वाला है। उस तो बाद सारे परिवार अपने घर आ गया ते कुछ समा बीतिया कि 2 साल विचकार प्रेम सिंह दा विआह हो गया अते विआह तो 2 साल बाद उस दे घर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र दे जन्म हुंदिया ही प्रेम सिंह नू साधु नाल कीती हुई सारी गल याद आ गई। प्रेम सिंह ने अपनी घरदिया दे नाल ओही गल शेयर कीती, पर पत्नी ने यह गल करन तो इनकार कर दिता कि अजिहा कुछ भी नहीं है अते पखंडी साधां दे पिछे नहीं लगना। अते गल भी सही है, पखंडी साधुआं दे पिछे नहीं लगना चाहिदा, पर सही अते पखंडी साधुआं दी पहचान होनी यह बहुत जरूरी है। प्रेम सिंह ने अपने घरदिया दी नाल गलबात कीती, पर परिवार ने गल नू टाल दिता कि बड़ी मुश्किल दे नाल साढ़े घर बच्चे ने जन्म लिया है अते इन्ना प्यारा बच्चा है, असी मिट्टी दे विच दब दईए, अजिहा किवें हो सकता है। प्रेम सिंह ने अते इथों तक कि उस दे परिवार ने उस साधु कोल जाके उस बच्चे दा मत्था भी नहीं टिकवाया। समा बीतदा गया, प्रेम सिंह दा लड़का 5 सालां दा हो गया। सारा परिवार बड़ा खुश सी, जिंदगी बड़े ही प्यार दे नाल निकल रही सी, पर प्रेम दे बच्चे नूं कुछ अजिही बीमारी लग गई कि ओह ठीक ना हो पाया। बहुत डाक्टरां कोल इलाज करवाया पर कोई भी फर्क ना पिया। समा गुजरदा गया, 16 साल दी उम्र दा बच्चा हो गया अते ओह बीमारी इस तरह ही चलदी रही। इन्हां समें प्रेम सिंह दा अते उस दे परिवार दा बड़ा चिंता दे विच निकलिया। यह जिंदगी बहुत ही दुख विच बीत रही सी कि उन्हां दे बच्चे नूं पता नहीं केड़ी बीमारी लग गई जो ठीक ही नहीं हो रही। जिंदगी चलदी जा रही सी अते प्रेम सिंह दा बच्चा जिसका नाम सुखमन रख्या गया सी उसकी उम्र हुण 18 साल दी हो चुकी सी अते ओह कॉलेज दे विच जाण लग पिया सी। अते बच्चे दा सुभा अजिहा सी कि शुरू तो ही ओह अपने मापिया दा कहना नहीं मानदा सी, पर बच्चे दे जन्म होण तो बाद ही सारा परिवार दुखां दे विच ही सी। हुण समा अजिहा आया कि प्रेम सिंह दे लड़के दा मिलाप कुछ गलत संगत दे व्यक्तियां दे नाल हो गया, गलत लड़कियां दे नाल हो गया जिस दे कारण ओह नशे करन लग पिया अते नशे करदे दे हालात अजिहे हो गए कि ओह घरदियां दे नाल भी लड़ाई झगड़ा करन लग पिया अते घरदियां नू मार कुट के भी पैसे लैण लग पिया। घर दे बहुत परेशान सी अते प्रेम सिंह नू साधु दी दसी हुई गल याद आई। उस साधु ने कहा सी कि तेरे घर बच्चा होवेगा जो तेरे पिछले जन्म दा बदला लैण आवेगा, इस कारण तू उसनू दब दवी। पर मैं उस साधु दी गल मन्नी नहीं, पर हुण साधु दे कोल जाण दा भी कोई फायदा नहीं सी, क्योंकि ओह साधु हुण पूरे हो चुके सन अते समा बहुत लंघ गया सी। प्रेम सिंह दे समझाउण ते भी उसका लड़का सही ना हो सकिया। एक दिन अजिहा आया कि उसके घर कोई भी नहीं सी प्रेम सिंह तो इलावा। प्रेम सिंह दा पुत्र पैसे लैण दे लई घर आया, पर उसका प्यो जो कि प्रेम सिंह सी
प्रेम सिंह ने उसनू पैसे देन तो इनकार कर दिता। दोहां विच बहुत लड़ाई झगड़ा होया अते प्रेम सिंह दे पुत्र अपनी होश ना होण दे कारण उसने प्रेम सिंह नू धक्का मार के कंध दे विच मार दिता अते उसदा सिर दे उते सट लगी, जिस दे कारण प्रेम सिंह ने उथे ही अपने प्राण त्याग दिते। जिस तों बाद प्रेम सिंह दा पुत्र जो घर तों पैसे लै चुकिया सी अते उसने अपने दोस्तां दे नाल जाके नशा बहुत ज्यादा कर लिया अते बहुत ज्यादा नशा करन दे कारण प्रेम सिंह दे पुत्र दी भी मौके ते ही मौत हो गई। इस तरह उस साधु दी गल ना मन के प्रेम सिंह ने बहुत वड्डा दर्दनाक मंजर जिंदगी दा सफर तय किया। अजिहे स्टोरियां पहलां भी सुनिया होणगियां, इसलिए पुराने जन्मां दे जो दुश्मन हुंदे हन ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।